कहा जाता है कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी ईजाद पहिया था, और जब पहिया बन गया तो फिर उससे आपकी जो है वो फिटन बन गई, टांगा बन गया, सवारी बन गई, नकलो हमल की आसानी हो गई। या आप देखें मिस्री तहजीब में भी उस वक्त जो था इस तरह की सवारी मौजूद थी जिसको मर्द जो इंसान खींचते थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि जब जंगों में घोड़े खींचते थे उनकी जो चैरियट होती थी, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सफ़र है। बदकिस्मती से हमारे मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा की तहजीब में अभी तक ये नहीं आया था, तो इस वजह से ज़राए नकलो हमल भी हमारे पास उस वक्त नहीं थे, और शायद इसलिए हमारी तहजीब थोड़ी पीछे रह गई बाकी तहजीब। फ्राइना की जो तहजीब थी इसमें जानवरों और परिंदों का इस्तेमाल बड़ा मानी खेज है, मसलन बिल्ली हो, गाय हो, परिंदे हो, बहुत से चीज़ों के साथ जो है ये जो बुत तामीर किए गए हैं उनमें ये इस्तारे नज़र आते हैं। बिल्ली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, सांप का इस्तेमाल जो है वो भी नज़र आता है, जो कि मिस्र की पुरसरासियत में और इजाफा करता है। दूसरी तरफ हम मोहनजोदड़ो में देखते हैं कि वहाँ ना आपको कोई घोड़े की पिक्चर नज़र आती है, ना कोई और ज़्यादा जानवरों की, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बकरियों की और भैंस की नज़र आएगी। घोड़ा तो बिल्कुल उस वक्त बड़े सगीर में था ही नहीं, लेकिन इजिप्ट के अंदर उस वक्त भी घोड़े थे, और उस वक्त भी जो घोड़ों का इस्तेमाल जंगों के लिए भी और ज़राए नकलो हमल के लिए भी यूज़ होता था। तो ये भी एक बड़ा फ़र्क है हमारी बड़े सगीर की तहजीब में और जो यहाँ की तहजीब है मिस्र की उसमें। Thank you.